मैं दोबारा उन जाब्ते के ऑफिसर्स का सामना नहीं करना चाहता। हुक्म करें छोटे साहब। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चिनार ने कहा है कि वो संभाल लेगा, जैसे शफीक साहब थे। अगर उसने भी आपको आधे रास्ते में छोड़ दिया तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। आपके हाथों से तो मामला नहीं निकलने वाले थे। क्या हुआ, क्या बदला? हमारा मौजू ये नहीं है, हमें एक बहुत ही अहम मसले को हल करना है। क्या चिनार पर इस मामले में भरोसा करना ठीक है? चिनार अच्छे खानदान से है। ओ, आपने तो फौरन ही अपनी दामाद की तरफदारी की। क्या करें, समंदर में गिरने वाला बचने के लिए सांप को भी पकड़ लेता है। प्लीज इकराम, ऐसी बातें मत करो। चिनार के कानों तक तो की बात जा सकती है। अब वो बहरहाल हमारा दामाद है और लाले से भी बहुत प्यार करता है। आपको कैसे समझ आया? मैं समझती हूँ। चलो करीम, चलते हैं। ठीक है, अगर अखबार वाले कुछ पूछे तो बोलना नहीं, ना ही लाली की शादी से मुतालिक और ना ही जाब्ते से मुतालिक। समझ गए, लाली की शादी, लाली की शादी। क्या ये हमारे दामाद नहीं है? कहाँ? वो देखो उन्हें। चलो हम लोग गाड़ी को पार्क करके उनके पास चलते हैं। हमारा क्या काम है उनके पास? आप देख रही हैं ना, दो प्रेमी बैठे हैं। ऐसे दो प्रेमियों के पास अचानक जाना अच्छा नहीं होता। ठीक है करीम, बात मत बढ़ाओ। अभी तुमने क्यों गुस्सा किया? उन्हें नजर मत लगाओ, अपने अतराफ में देखो, तुम्हें भी कोई चिनार मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कहा ना बात मत बढ़ाओ। लाली को कॉल करके बताओ कि हमने उन्हें देख लिया है। तुम आगे बढ़ो, हरी लाइट जल गई है। वेलकम मॉम। थैंक यू। कैसी रही पार्टी? वंडरफुल, जैसा मैंने सोचा था, बहुत एंजॉय किया। अब ये मत कहिएगा कि चिनार की माँ को देखने गई थी। गई थी, देखा, बात भी की, उसकी एक जवान पप्पो भी है। रेहान, तुम्हें कैसे पता? खूब लड़की है, बिजनेसमैन एसोसिएशन में औरतों को शामिल कर रही है। हो सकता है, उसका मिजाज बहुत इंटरेस्टिंग है। मॉम, क्या क्या हुआ था बताइए ना। मुझे लगा जैसे उनको मैंने अंदर ही अंदर किसी भेड़िया की तरह काट लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे महल के जब्त होने का डर खत्म होता जा रहा है, वैसे ख्याल रखना। मामू ठीक कह रहे हैं मॉम, चिनार पे आखिर आप इतना भरोसा क्यों कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। चिनार पर भरोसा नहीं कर रही, चिनार का लाले के लिए जो इश्क है मैं उस पर भरोसा कर रही हूँ। इश्क है ये, दो दिन में कोई आशिक कैसे बन सकता है? इश्क अचानक ही हो जाता है, किसी और सूरत में तो ये लॉजिक, रीजनिंग या मैथ्स की किताब हो सकती है, इश्क नहीं। चिनार लाले पर कुछ ज्यादा ही आशिक है, ऐसा ही है। हैरत है, तुम्हें इसका पता नहीं चला? लाले ने शायद पहली दफा तजर्बा किया है, लेकिन तुम तो इश्क विश्क के मामले में लाले को भी पीछे छोड़ दोगी। मैं आपके नक्शे कदम पर चल रही हूँ ना, शायद यही वजह है। क्या मतलब है तुम्हारा? वेलकम। थैंक यू। आने का पता नहीं चला, जल्दी आ गए। मैंने बोला था शाम के लिए मैंने कुछ चीजें ली हैं, ड्राइवर लेके आता होगा। तो क्या बना रही हो? समझ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि स्पेगेटी हो तो अच्छा होगा। कौन है, आखिर कौन है वो लोग जो तुम्हें कह रहे हैं कि स्पेगेटी बनाओ तो अच्छा होगा? तुम जानते हो, तुमसे पहले कोई और नहीं था। जानता हूँ। चलो भाई, बोन एपेटिट। खाना किसने बनाया है? हमने साथ बनाया है। लाले को तो खाना पकाना नहीं आता, पर इसने जल्दी सीख लिया। वैसे भी इश्क सिखाने वाली एक चीज होती है। हाँ ऐसा ही होता है। वैसे
शादी कैसी चल रही है? ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया। क्या मतलब? बिल्कुल सही, मैं ऐसा एक ब्लॉग में पढ़ रहा था, शादी के उमूमन चार सवाल होते हैं। एक, आपकी शादी कैसी जा रही है? दो, बच्चों की पैदाइश के बारे में क्या प्लान है? तीन, आप एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं क्या? और चार, आर यू स्टिल मैरिड? हम दो से आगे नहीं जाएंगे। तो फिर मैं भी पूछ लेता हूँ कि बच्चों के बारे में क्या प्लान है। मत करें भाई, ये तो अभी भी हनीमून पर हैं। हमारी छोड़ो और अपने बारे में कुछ बताओ हमें, खासतौर पे यास्मीन, तुम बहुत याद आती हो मुझे। इनके बीच में तो समंदर भी नहीं आ सकता। न्यूयॉर्क और मिलान के दरमियान हम आया जाया करते थे, दो बहने होकर भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते थे। और हमारे बीच चिनार आ गया और हमें अलग कर दिया। क्या अलहदा करना, हम खुश हैं, एक साथ हैं हम। तो फिर टू योर हैप्पीनेस। तो फिर टू न्यू लवर्स, चीयर्स। तो फिर मेरी खूबसूरत बीवी के लिए। कल रात तुमने मुझे बहुत हैरान किया। अभी तो शुरुआत है। ओके, लेट्स स्टार्ट स्वीट लेडी। कल उसी जगह पर फिर। सर, आपकी टैक्सी आ रही है, रास्ते में है। मैम, आपके लिए भी गाड़ी भिजवा रहा हूँ। थैंक यू। वो बहुत स्वीट थे, उम्मीद है वो लाले को हमेशा खुश रखेंगे। तुम्हें क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं। तुम बहुत चुप हो बेबी, खाने पर भी खोई खोई सी थी। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। हाँ, समझ गया, लाले की शादी हो गई और तुम अकेली रह गई हो। उफ करीम, बहुत हो गया, मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रहा हूँ, वैसे भी टैक्सी आ गई है मेरी। पहले मैं किसी क्लब जाऊंगा, तलगा वेट कर रहे होंगे, बाद में मिलते हैं। तुम जा सकते हो। टैक्सी का वेट कर रही हो? नहीं, आप जाए, मेरी गाड़ी आती ही होगी। करीम कहाँ जा रहा है? तुम साथ क्यों नहीं जा रहे? उसे क्लब जाना था। हम भी चलें क्या? आज रात एक सुपर डीजे आने वाला है। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे घर जाना है। तो फिर किसी और दिन मिलते हैं। देखेंगे। गुड नाइट। मैं सौदा नहीं करती। गुड मॉर्निंग। ओ, टाइम इतना हो गया कि यास्मीन उठ गई? बहुत सुबह है, पूरी रात सो नहीं पाई। ये तो अच्छा हुआ। तो कैसा था डिनर? सही था। कहाँ गए थे डिनर पर? कहाँ खाएंगे, लाले और चिनार जिस अपार्टमेंट में रहते हैं बस वहीं। अब और कितना रहेंगे वो वहाँ पर? ऐसा लगता है कि चिनार ने अपने खानदान से फैमिली शादी की कभी इजाजत नहीं देगी। तुम्हारे दामाद की इश्क की खातिर तुम अपने तख्त से उतरकर बगैर पैसों के रह जाओगी। तुम समझ जाओगी ये काम हमारे लिए कामयाबी नहीं लाएगा। बोल दिया इकराम, मैं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरा भी फोन नहीं उठा रही है वो। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ इस लड़की को? चिनार को फोन करो और उसे पूछो वो कहाँ है, मालूम करो। मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मैं जा रही हूँ। इस वक्त हमारा काम सिर्फ यही है, क्योंकि हमारी परेशानी का हल उसी के पास है, जो कहा वही। हेलो चिनार। बोलो यास्मीन। लाले से बात नहीं हो पा रही मेरी। परेशान मत हो, वो घर पर है। लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रही। सुन नहीं रही होगी, मैं उसके पास ही जा रहा हूँ, मैं कह दूंगा कि वो तुम्हें फोन करे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ मॉम, थोड़ी देर में वो आपको फोन कर लेगी। ओह अल्लाह अल्लाह,
उनकी कहीं लड़ाई बड़ाई तो नहीं हो गई? क्या पता, कोर्ट मैरिज करने वालों की तरह शायद उनकी तलाक भी हो सकती है मॉम। वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते नहीं हैं। ऐसे तो आपके सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे। सही कहा ना मैंने? तुम बकवास कर रही हो। चिरान लाले को बहुत प्यार करता है। बजाय ये कहने के वो आपके लिए जरूरी है, ये कह रही हैं कि वो लाले से बहुत मोहब्बत करता है वगैरह वगैरह। क्या हुआ तुम्हें स्वीटी, उनकी शादी में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो अपनी जिंदगी जी रही हूँ बस। अच्छा है जियो, लेकिन अपने लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, किससे मिलने जा रही हो? कहीं नहीं, आप उन्हें नहीं जानती। अपना फोन खुला रखना, कुछ पता चले तो मुझे बताना। डोंट वरी स्वीट मॉम। मुझे तो यकीन ही नहीं आया, मुझे लगा तुम कोई खेल खेल रही हो और तुम बिल्कुल नहीं आओगी। इंतजार करना मुश्किल हो गया था, लाजवाब कर दिया मुझे। अस्सलामुअलैकुम। हाय चिनार। हाय यास्मीन। हैरत है, हमारी फैमिली में तो सिर्फ मैं पागल हूँ, ये लाले कहाँ गायब हो गई है? ठीक है डेफनी डियर, डेफनी के यहाँ भी नहीं गई। क्या तुम डेफनी को जानते हो? नहीं, लेकिन लाले ने बहुत जिक्र किया है। हैरत है, डेफनी तो लाले की सबसे करीबी दोस्त है। सलीम की भी कोई खबर नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो वापस अपार्टमेंट आ गई हो? नहीं, वो वापस नहीं गई। मैं फोन कर रहा हूँ लेकिन कोई उठा नहीं रहा। क्या तुम अभी भी हमें नहीं बताओगे कि हो क्या रहा है? देखिए दादी के पास ना गई हो। अगर वो वहाँ गई होती तो वो हमें कॉल करके बता देती। तुम दोनों के दरमियान ऐसे क्या हुआ है? नहीं मेरी जान। मेरी बेटी अपने बचपन की तरह किसी बूट हाउस को ढूंढ कर उसमें छुप गई है। मैं ये बूट हाउस देखना चाह रहा था। तुम क्या वहाँ मेरे साथ जाना चाहते हो? With your permission. मुझे अपना हाथ दो, ये जगह बहुत स्लिपरी है। समझ रहे थे लाले यहाँ होगी? हाँ, अजीब है लेकिन मैंने ऐसा ही सोचा था। मिलान से जब भी वापस आते थे यहाँ पर आकर बैठा करती थी। मैं बाहर हूँ। जी अंकल। क्या हो रहा है चिनार, मिल के बात करें क्या? लाले नहीं मिल रहे, अम्मी के अचानक विजिट के बाद वो कहीं चली गई है। यकीनन वो बहुत अफसुर्दा, बहुत उदास होगी। अफसुर्दा होने का हक है उसे, है कहाँ वो? मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ रहा हूँ। तश्करान महल आया हुआ हूँ, यहाँ पर भी नहीं मिली मुझे लाले। क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? उसके अंकल का फोन आया था, जितना मैं समझ सकी उसकी माँ लाले के पास गई थी। ये कहो ना कि उन्होंने हमारी फैमिली पर अटैक किया। हमारी फैमिली का क्या मतलब? जो भी हो डार्लिंग, कुछ और पता चल सका क्या? नहीं जानती, मुझसे इतनी ही जासूसी हो सकी। ये बात तो क्लियर है कि वो औरत लाले को ठीक ठाक सुना कर आई होगी। वो इस बात पर शुक्र अदा नहीं कर रहे कि तश्करान खानदान की लड़की मिली है उन्हें। कसम से देखो, ये सास बहू की मुलाकात के बाद सूरत हाल ही बदल गई है। मेरी जान, वो अपने आप को मार तो नहीं सकती, कहीं तो गुस्सा निकलेगा। अभी तक खबर नहीं आई, हमारी लड़की ने मुंह तो नहीं फेर लिया उससे? एक राम, तुम्हें किसी तबाही फैलाने वाले क्लब का मेंबर होना चाहिए था, तुम अभी तक घर पर क्यों हो? मैं जाने वाला था लेकिन शफीक ने स्क्वैश का मैच ही कैंसिल करवा दिया।
शफीक, उसने मुझे आधे रास्ते में कैसे छोड़ दिया? क्या आप जो कहेंगी वो हर कोई करने पे मजबूर है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? शफीक के साथ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, वो मुझे बहुत अरसे से पसंद करता है। अगर ऐसा होता तो जो आपने करने के लिए कहा था वो ऐसा कर देता, लेकिन उसने नहीं किया। वो मदद नहीं करेगा। तुम बकवास कर रही हो, तुम इन बातों को नहीं समझोगी, बीच में मत पड़ो। लेकिन फिर भी हमें शफीक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, सोसाइटी में जगह जरूरी है। वो मदद नहीं कर पाया ये सोच करके कहीं बाद में शर्मिंदगी ना हो और हमसे दूर ना हो जाए। कहीं दूर नहीं गया मेरी जान, मैंने आज ही देखा था, बहुत अच्छे तरीके से मिला। करीम, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि लाले उसी के पास रहने गई होगी? जब आप बोट हाउस की कहानी सुनाई थी तब मैंने सोचा था। शफीक का नाम लेते ही आप लाले को भूल गई होंगी। वो अपने आप को समझती क्या है? जैसे महल के मालकन हो। ओ, तुम तो जल्दी सो गई थी आज, फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारी नींद उड़ गई? चिनार ने फोन करके उठा दिया, इसके बाद सो नहीं पाई। उसने क्या कहा? क्या कहेगा, पूछ रहा था लाले की कोई खबर है। लाले की खबर है लेकिन चिनार के लिए नहीं है, उसे इंतजार करने दो। गारंटी का इंतजार करने का बदला आप ऐसे ले रही हैं? आफरीन है तुम पर, तुम कितनी तेजी से सीख रही हो। हेलो अंकल, लाले को लेने जा रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। थैंक यू। चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। नहीं, मैं फॉलो करता हूँ। मैं बहुत तेज गाड़ी चलाती हूँ, देख लीजिएगा। मैं भी तेज चलाता हूँ। तो ठीक है, फिर हम रिश्तेदार जा रहे हैं, फॉलो मी। ठीक है। मैं लाले जैसी नहीं हूँ, देखती हूँ क्या मुझे पकड़ पाओगे। कुछ गेस्ट आए हैं। ये तुम्हारे लिए। और ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू चिनार। मत छोड़ के जाना मुझे, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। बहुत नाराज हूँ। फोर्स नहीं करो, मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो लाले, तुम नहीं आओगी इसका क्या मतलब? शादी बच्चों का खेल नहीं है। देखो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने तुम्हें हर चीज समझाई। तुम नहीं समझ रहे हो चिनार, ऐसा ही होता है।
फर्स्ट साइड लव मैरिज करने के बाद यही होता है। इश्क ऐसी ही एक चीज है, कभी एक तूफान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो कभी आग की तरह जलता है, और यही है इश्क। बस बहुत हो गया, ये बहस बहुत लंबी हो गई। मैं क्या बिल्कुल प्यार नहीं किया मेरे से? क्या बिल्कुल वैल्यू नहीं दी मुझे? मेरी बात सुनो, तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ चल रही हो,